चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। तिहाड़ जेल से बाहर आया आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन, पीएमएलए केस में जमानत मिल गई है। खुद सीएम आतिशी, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कई नेता जो हैं वो रिसीव करने के लिए तिहाड़ जेल पहुंच गए थे। तिहाड़ जेल के बाहर आम आदमी पार्टी के नेताओं का जमावड़ा लग गया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से समर्थकों का, पार्टी नेता कार्यकर्ताओं का अभिवादन जो है वो किया है। संजय सिंह भी नजर आ रहे हैं, मनीष सिसोदिया, आतिशी, खुद पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं ने तिहाड़ जेल के बाहर आकर स्वागत किया, एक तरह से रिसीव किया है सत्येंद्र जैन को। 2022 मार्च में करीब वो गिरफ्तार किए गए थे। लगातार पीएमएलए के केस को लेकर जांच पड़ताल चल रही थी और ईडी ने उनको गिरफ्तार किया। करीब 2.5 साल तक जेल में गुजारने के बाद सत्येंद्र जैन अब जमानत पर रिहा हुए हैं। कुछ कंडीशंस हैं, निजी मुचलका भरा उन्होंने, अपना पासपोर्ट वो जमा कराएंगे, विदेश यात्रा पर रोक रहेगी, कुछ कंडीशंस जरूर हैं। लेकिन सत्येंद्र जैन आखिरकार 2.5 साल के बाद जेल से बाहर आने में उनको ये जमानत मिल गई है। और देखिए किस तरह से, एक तरफ मनीष सिसोदिया है और दूसरी तरफ संजय सिंह, दोनों ने गले मिलकर सत्येंद्र जैन का स्वागत किया है। और इकलौते बड़े नेता थे आम आदमी पार्टी के जो लगातार जेल में रहे 2.5 साल तक। अरविंद केजरीवाल भी जेल गए, उनको जमानत मिली, मनीष सिसोदिया बाहर आए, संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था, संजय सिंह को भी जमानत मिल गई थी। लेकिन सत्येंद्र जैन जो लिकर पॉलिसी के मामले से पहले से ही ऑलरेडी उसके पहले से ही वो जेल में थे, उनको अब जमानत आखिरकार मिल गई है।